28 जून से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा पूरे हर्षोल्लास के साथ जारी है। बाहरी राज्यों से आने वाले अमरनाथ यात्री पूरे उत्साह से दबरेज रियासत में प्रवेश कर रहे हैं। लखनपुर से श्रीनगर तक सुरक्षा के चलते पूरे भरोसे के साथ यात्री बम बम भोले के जय घोष के साथ यात्रा कर रहे हैं। प्रसाद का मौसम भी यात्रियों के कदमों को नहीं रोक पा रहा है। भोले के भक्त कश्मीर पहुंचकर पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। यात्री अपनी इच्छा अनुसार पहलगाम और बालतल यात्रा का रूट तय करते हैं। ज्यादातर बाहरी राज्यों से आने वाले यात्री कश्मीर में वादियों के बीच पहुंचकर उत्साह पूर्वक अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हालांकि यात्रा मार्ग कठिन होने के बावजूद भी खराब मौसम की परवाह किए बगैर यात्री बम बम भोले के दर्शनों के लिए आगे बढ़ना जारी रखे हुए हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और लंगर व्यवस्था पर भी यात्रियों ने अपनी संतुष्टि जाहिर की है और अब तक यात्रा पर नहीं आए लोगों को भी भोले बाबा के दर्शनों का न्योता दिया है। हैप्पी अमरनाथ यात्रा। मेरा नाम रेखा गोयल है और मैं यात्रा पर आई हूँ। मैं चंद्रमाड़ी से यात्रा कर आ रही हूँ और मैंने दो स्टॉप किए हैं। एक तो शेषनाग पर स्टॉप किया है और दूसरा पोषपत्री किया है। तो उसके बाद से हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा का पूरा प्रबंध है, हमारी मिलिट्री का पूरा सहयोग है हमारे साथ। सो आप सबको आना चाहिए अमरनाथ यात्रा के लिए, भोले बाबा के दर्शन के लिए। ऑल ऑफ यू हैप्पी अमरनाथ यात्रा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जब भी आप आओ अमरनाथ यात्रा, भोले बाबा के दर्शन करने जरूर आओ। हर साल आओ, भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हर हर महादेव। प्रणाम, मेरा नाम कौशल कुमार है जी। हम स्पेशल डेपुटेशन पर श्राइन बोर्ड के साथ अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी के लिए आते हैं जी। जैसे कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं तो यहाँ पर संगम धाम में हम डिप्टी डायरेक्टर की ड्यूटी कर रहे हैं जी। ये यात्रा है 28 जून से शुरू हुई है जी, 26 अगस्त तक चलेगी, रक्षाबंधन तक। तो अभी तक यात्रा के आज 17th डे है, तो यात्रा बड़ी स्मूथली चल रही है। थोड़ी बहुत बीच में कभी बारिश वगैरह आती है, लेकिन इसमें ये है कि यात्रियों का श्रद्धालु जो आते हैं उनका जोश देखकर तो ये लगता नहीं है कि उनको कोई किसी प्रकार का कोई भय है, इसलिए यात्रा स्मूथली चल रही है। और जब तक भोले बाबा वहाँ पर हैं तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। व्यवस्था सर, सिक्योरिटी व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। हमारे जो मिलिट्री या फौजी भाई है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। और हम दो दिन से आए हुए हैं, दर्शन करके हम चंद्र वो क्या है वहाँ चले गए थे हेलीकॉप्टर के लिए। वहाँ पर ब्लैक टिकट दे रहे हैं सर, हम कल भी लाइन में लगे थे, 10 टिकट दिए, उसके बाद विंडो बंद कर दिए, बोले 7 बजे तक खुलेगा, फिर उसके बाद नहीं खुला। आज हम फिर 6 बजे से लाइन में खड़े रहे, 10:30 बजे विंडो खुला, 10 टिकट 12 टिकट दिया गिनती के, उसके बाद फिर नहीं दिया ब्लैक टिकट। एक व्यक्ति आया मुझसे कहा 5,000 का अगर आपको लेना हो टिकट तो हम आपको टिकट उपलब्ध करा सकते हैं। ये धांधली है यहाँ पर। मेरा नाम विनय गोयल। विनय जी बताएंगे यात्रा करने आए हैं, कैसे लग रहा है? हाँ, ये एकदम बढ़िया लग रहा है। और मैं एक इंडियन आर्मी को, अपने CIF कौन को सलूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद करते हैं। बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ उनको उठा के लेके चलते हैं। उनके लिए मैं बहुत अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ कि ये इंडियन आर्मी जो भी है बहुत अच्छी सेवा करती है, तो वृद्धों को आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कश्मीर लोगों का भी ऐसा ही है, अपना थोड़ा से चेंज करते हैं, दबाते हैं पहले और उसके बाद मान जाते हैं, कुछ नहीं। और भंडारे भी बोलो लोगों के क्या है, महान है भंडारे, जो आते हैं खाते हैं पीते हैं, बोलो भोलेनाथ की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारा 22वां विशाल भंडारा है तो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर यात्रियों को खाना वाना, रहने की व्यवस्था, गर्म पानी, हम सब व्यवस्था करते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हमारा भंडारा बिल्कुल भोलेनाथ जी के चरणों में है, इससे आगे कोई भंडारा नहीं है। तो हमारी जो ऑल ओवर संस्था हैं, जो अपनी जो डोनेट करते हैं, वो ऑल ओवर से हैं हमारी। और मैं अनिल वोरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यात्रा में कोई भी रुकावट नहीं आई, बिल्कुल यात्रा सही चल रही है। तो यहाँ मैं पुलिस, CRP, आर्मी, BSF सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 महीने सब इकट्ठे रहते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है इन्होंने यात्रियों के लिए। अगर यात्री अगर लंगर पहले नहीं आए थे तो यात्रियों को ये संभालते थे। यात्रा से पहले भी बंदे दर्शन करके गए हैं यहाँ पे, कम से कम 4-5 हज़ार के करीब।
तो सब मौसम का कैसा रहता है यहाँ पे? मौसम थोड़ा सा पहले गड़बड़ाया था, उसके बाद सही हो गया था। अब 5-6 दिन से पूरी बढ़िया धूप निकली हुई है, कोई बारिश नहीं हुई है, बल्कि बाकी हल्की फुल्की बारिश तो होती रहती है, बाकी मौसम सही है। प्रशासन से कोई मांग आपकी, कोई मैसेज देना चाहेंगे प्रशासन? प्रशासन से बस मैं यही बेनती करता हूँ कि यहाँ पे टॉयलेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो लेडीज़ की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है। वो लेडीज़ आदमी तो कहीं भी जा सकता है, पर लेडीज़ नहीं जा सकती है कहीं पे। बस मैं ये हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि यहाँ पे टॉयलेट ज्यादा से ज्यादा बननी चाहिए। आपको बता दें कि यात्रियों ने यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों का यात्रा में सहयोग देने के लिए भी धन्यवाद दिया। यात्रियों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग यात्रियों को घोड़ों और खच्चरों पर यात्रा करवाते हैं, यात्रियों के सामान को भी गुफा तक पहुँचाते हैं। वही गुफा के पास दुकान लगाए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यात्रियों के आगमन का स्वागत किया है और कहा है कि अगर यात्रा 2 महीनों की बजाय 1 महीना हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 महीनों तक यहां रहना और दुकान लगाए रखने में खर्चा बहुत आता है। सर मोहम्मद अमीन भट्ट। भट्ट साहब, बताएंगे कि आप यहां पे क्या करते हैं? दुकान लगाते हैं, क्या करते हैं? सर हम दुकान लगाते हैं और ये बुकिंग टेंट लगाते हैं और प्रसाद के का जो है ये सामान यही बेचते हैं हम। सर क्या सामान बेचते हैं आप यहाँ? पूजा का सामान सर, और फोटो वोटो लिंक का बेचते हैं और प्रसाद पूजा की तस्वीरें बेचते हैं। हाँ सर। तो आपका यही एक छोटा इनकम है? हाँ सर यही है। यही है। कितने महीने काम करते हैं आप यहाँ? सर यहाँ हम इस साल 2 महीने के लिए है, मगर असली तो जो हो सकते हैं मगर वो 1 ही महीने के लिए यात्री होना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि 2 महीने के लिए तो खर्चा ज्यादा पड़ता है, फौज का भी खर्चा है, बहुत सारे खर्चा पड़ते। मेरा नाम है रवि शर्मा सर। हम सब बताएंगे कि आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ सर, यहाँ पे हम प्रसाद के दुकान का काम करते हैं, लेकिन यात्रा जो इसने 2 महीने में रखा है या इसको थोड़ा कम रखना है, क्योंकि 45 दिन के लिए मैं यहाँ पे यात्रा का दिक्कत आ रही है, यहाँ पे डेंजरस आ गया है, यहाँ मौसम भी खराब हो गया, स्लाइडिंग आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे शाइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे जो इतना कैजुअलिटी होगी इस साल कम से कम 45 कैजुअलिटी होगी यहाँ पे बारिश की वजह से। इसने यात्रा भी रोक दिया, यात्रा का पैसा भी खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो उनके पास पैसा नहीं है यात्रा। फिर हम चाहते हैं कि जितना भी यात्रा दर्शन करने के लिए आए उनको छोड़े उनके दिनों में, फिर लास्ट में आप दर्शन करने का जिसका टाइम है उस टाइम में उनको भेजो, लेकिन जितना यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए रहा है उसको भेजो यहाँ पे। यहाँ पे क्या बेचते हैं आप? यहाँ पे हम प्रसाद का दुकान बेचते हैं, प्रसाद पूजा का सामान बेचते हैं। तस्वीरें बेचते हैं भोले बाबा जी? हाँ, तस्वीरें भी बेचते हैं, फोटो, अमर कथा, अमर कहानी, तोता की कहानी, सीडी कैसे, डीवीडी, ऑल आइटम्स है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल। सुरत संतति प्रमोद मान मानसे कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् गंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् पणामणि प्रभ कदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरि। कश्मीर के वारदात से विजय कुमार, अलर्ट इंडिया न्यूज़।